इस बीच की अप्रोच रोड मुझे बहुत पसंद आ रही है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ ग्रीनरी, कोकोनट ट्रीज, नैरो रोड, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से ड्राइव करते करते आगे निकलना। हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं साउथ गोवा के बेताल बातिम बीच में हूं। आप देखो समुद्र की लहरें, बीच कितना साफ सुथरा है। यहां खड़े होना और इस तरह से हाथ करके देखो आप, आई एम एंजॉयिंग दिस लाइक एनीथिंग। हमारी फूड जर्नी की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ नजदीक में ही एक ऐसा फूड जॉइंट है जहां फेमस पर्सनालिटीज अक्सर आती रहती हैं। इस फूड जॉइंट का नाम है मार्टिन्स कॉर्नर। हमने अपने लिए फिश का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं ये देख रहा हूँ इनके पास लोकल सी से जो फिश कैच की हैं। रेड स्नैपर दिख रही है, सी बास है, लॉबस्टर, किंग प्रॉन, पॉम्फ्रेट। नाउ लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर टू कम। ना जाने कब से मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था, मुझे गोवा में आके फिश में रिशैडो मसाला खाने को मिलेगा। वो दिन हमारे सामने है। आई एम हैविंग सी बास कुक्ड इन रिशैडो मसाला, साथ में गोवन फिश करी। इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। गोवन फिश करी के अंदर सुरमई फिश है जो हम खाएंगे राइस के साथ। सी बास का फिले है, देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। सीबास गोवा में ये फिश चोनक के नाम से जानी जाती है। सो यू कैन इमेजिन चोनक फिश अलोंग विद रिशैडो मसाला, कैसा टेस्ट आने वाला है। मैंने बहुत सुना था चोनक फिश के बारे में कि यहाँ लोकल्स बहुत पसंद करते हैं। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी फिश है। साथ में जितना मैंने मसाले के बारे में सुना था या जितना मैंने इमेजिन किया था उससे ऊपर है। इस रिशैडो मसाले के अंदर दो चीज़ें बड़ी क्लियरली एविडेंट हैं। नंबर वन, रेड चिली बेहतरीन स्वाद दे रही है, साथ में लोकल विनेगर जो गोवा में प्रोड्यूस होता है वो इसके अंदर मैजिक कर रहा है। दिस टेस्ट इज़ कमिंग वेरी ट्रेडिशनल। मज़ा आ रहा है मेरे को ये खाकर। चोनक वाकई में ऐसा फिश है कि माउथ में मेल्ट हो जाती है। गोवा में किसी से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है एज अ मील, तो आपको आंसर मिलेगा फिश करी विद राइस। तो ये गोवन फिश करी, अगेन आप इसका कलर देखो, इस तरह का फिश करी का कलर देखते ही फीलिंग आ रही है कि कितना टेम्प्टिंग है और कितना इनवाइटिंग है। इस समय जब मैं फ़िश करी डाल रहा हूँ राइस पे, तो मुझे एक खुशबू का एहसास हो रहा है। ट्रस्ट मी, आज से पहले कभी मेरे को इस तरह का खुशबू का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है ये खुशबू दो रीज़न की वजह से है। नंबर वन, कोकोनट का इस्तेमाल फ़िश करी के अंदर। सेकंड, वो है फ़िश का अपना खुशबू, अपना फ्लेवर। वाटर टेस्ट, इस तरह का फ़िश करी का स्वाद वाकई वर्थ कमिंग टू गोवा एंड एंजॉइंग दिस। अभी तो मैंने क्या है, थोड़ा सा ही लिया फिश करी को राइस में डाल के और मज़ा आ गया, टू गुड। ऐसा मेरे को मन हो रहा है कि मैं काफ़ी सारा राइस और फिश करी खा लूँ, देन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। दिस इज सो टेस्टी एंड सो मच डिफरेंट। ट्रस्ट मी, दिस थिंग इज कमिंग लाइक एक ऑथेंटिसिटी की फीलिंग होती है ना, वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ पर इस तरह का मील खाकर। कुल मिला के मज़ा आ गया। मैंने थोड़ा सा बनते हुए देखा था जिससे मुझे समझ में आया कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर ऑब्वियसली अगर आपकी करी बढ़िया तो विन है। और ये जो हमने खाया रिशैडो मसाला
इसके अंदर तो टोटल गेम मसाले की है, क्योंकि बाहर जब फिश को पैन में डालते हैं उसके ऊपर मसाले से मैरिनेट कर देते हैं हार्डली पाँच या दस मिनट के लिए। योर मसाला इज़ गुड, तो ये फिले की प्रिपरेशन अमेजिंग होगी होगी। तो यहाँ पर आना और इस तरह का फूड इंजॉय करना, एक्सपीरियंस करना, अपनी सी फूड जर्नी की शुरुआत करना साउथ गोवा से, मार्टिन से, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। सी बास जिसके अंदर रिशेडो मसाला का इस्तेमाल हुआ था मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने इनको बोला भाई मेरे को दिखाओ क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो इन्होंने ट्रे में डाल के मेरे को सब चीज़ें दिखा दी हैं। अब देखो ये टॉडी विनेगर है, अदरक लहसुन नमक लौंग दालचीनी का भी इस्तेमाल होता है, कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, और जीरा इस्तेमाल किया जाता है। किस ऑर्डर में करते हैं कैसे करते हैं मैं कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब तक मैं गोवा में हूँ अपने सामने बनते हुए भी देखूँ। सारे स्टार्स की फोटोग्राफ है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर काफी रेगुलर विजिटर हैं, उनकी भी फोटो है। बेनौलिम बीच पहुंचे हैं, मैंने देखा यहाँ काफी सारी बोट खड़ी हुई है, किसी एक के पास क्लोजली चल के देखते हैं ये लोग क्या मच्छी पकड़ के लाए हैं आज। आप कितने साल से ये मच्छी पकड़ने का काम कर रहे हैं? ये हमारा पुराना है, बहुत पुराना, माँ बाप का, बाप का बाप, अभी हम लोग को भी यही बिजनेस हमारा। ओके। वो रोज जाता है बाहर, ऐसा ही मच्छी लाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं मिलता है, दूसरा टाइम मिलता है। आज खाली झिंगा मिला, मैकरल फिश मिला, झिंगा मिला, मैकरल मिला, मैकरल मिला एंड किंग फिश मिला। अच्छा, थोड़ा थोड़ा शार्क फिश। अच्छा, थोड़ा शार्क दिखा सकते हैं मेरे को? इधर है शार्क फिश। ये शार्क फिश है, ये शार्क फिश है, ये प्रॉन्स है। मच्छी पकड़ने कितने बजे निकलते? वो 4 बजे को जाते हैं। और बोट वापस कितने बजे आता? वो समुद्र के तरफ है, वो मछली जो भी देता है वो लाता है ऊपर, वो टाइमिंग नहीं है। दोपहर हो जाती है, आते आते दोपहर आता है, सुबह आता है, सुबह एक गया जल्दी आया, जब भगवान देता है वो टाइम आता है। अच्छा, धन्यवाद। हमारा घर इधर 2 किलोमीटर दूरी पर है, हम लोग इधर डेली फ्रेश मच्छी लेने के लिए आते हैं। ये जो किंग फिश आप देख रहे हैं इसको किंग फिश बोलते हैं, हम उसने 500 रुपये में 4 पीस खरीदा है। तो आपका सबसे फेवरेट मच्छी कौन सा है? फेवरेट मच्छी तो यही है किंग फिश, लेकिन इसमें वो बड़ा साइज आता है, ये थोड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा साइज है, किंग से भी बड़ा आता है और प्राउन्स। बेनौलिम बीच हमने अर्ली मॉर्निंग में देखा तो एकदम शांति, इस समय दोपहर में जब फिशिंग बोट्स वापस आ रही हैं बहुत चहल पहल है। साउथ गोवा में अभी तक हमने 6 बीच देखे, बेनौलिम बीच में हम इस समय खड़े हैं। बेतालबातिम बीच से हमने इस जर्नी की शुरुआत करी, मोबर और केवलौसिम बीच पास पास है, कोलवा बीच भी देखा। बेतालबातिम से मोबर तक 19 किलोमीटर के सफर में 6 बीच तो हमने देखे, वारका का वीडियो क्लिप नहीं किया। मैंने नोटिस किया इन 6 बीच में कोलवा बीच की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। मॉनसून टाइम में समुद्री तूफान की वजह से फिशिंग अलाउड नहीं होती, जिससे फ्रेश सी फूड की अवेलेबिलिटी काफी कम हो जाती है। कल 2 अगस्त तक सी फिशिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब हमें फ्रेश सी फूड खाने को मिलेगा। बेतालबातिम एरिया में हम फिशका में सी फूड खाने आए। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्रीमी स्पाइसी प्रॉन विद राइस, ये है रेड स्नैपर जिसके अंदर फिलिंग है प्रॉन्स की। आज हमने मार्टिन्स पे जो फिश खाई थी वो थी सी बास। सी बास और रेड स्नैपर मिलती जुलती फिश है टेस्ट के मामले में, लेकिन डिफरेंस है। थैंक यू, थैंक्स। रेड स्नैपर का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और रेड स्नैपर के अंदर प्रॉन की स्टफ्ड फिलिंग रिचार्डो मसाले के साथ, ऑब्वियसली आई कांट इवन इमेजिन। ये देखो आप जिस मसाले की बात हो रही है, फिश के अंदर भी है और प्रॉन्स की स्टफिंग में भी है। रेड स्नैपर का फर्स्ट बाइट लेने के बाद
मेरे को क्लियर डिफरेंस महसूस हो रहा है चोनक के मुकाबले में। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टनेस की तो चोनक ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके अंदर फिशी फीलिंग चोनक के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है आप मीट खा रहे हो फिश का। सेकेंड थिंग, जो रशादो मसाला इन्होंने फ़िश के अंदर डाला वो भी अच्छा टेस्ट दे रहा है। अब जैसे मैंने आज ही देखा था रशादो मसाला बनाने के लिए किस किस तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज़ वेरी नाइस। इसके अंदर विनेगर एक लेवल तक गेम चेंजर होता है, तो आई एम गेटिंग अ गुड फील व्हेन आई एम हैविंग दिस। फ़िश के अंदर जो स्टफिंग करी है वो करने से पहले फ़िश पहले ही डीबोन करी जा चुकी है। आप देखो ये प्रॉन की स्टफिंग है अंदर मसाले के साथ। इस तरह का सी फूड एक्सपीरियंस करना आई थिंक गोवा के अलावा कहीं और इंडिया में मुश्किल है। ये पूरी बाइट है जिस तरह से सर्व किया गया है, मतलब स्टफिंग के साथ। कुल मिला के ओवरऑल जो टेस्ट है ना बहुत मज़ेदार है। मज़ा मैं कर ही रहा हूँ, आप देखो किस तरह की प्रिपरेशन है। अब नाउ लेट मी हैव दिस। प्याज बड़े बड़े कटे हुए हैं और ये जो सॉस है इसके अंदर क्रीम अच्छे से क्लियरली विजिबल है, थिक क्रीम। नाइस टेस्ट, इसके अंदर चिल्ली भी है, क्रीम भी है, कुल मिला के प्लस प्रॉन की फ्रेशनेस भी है। ये जो आप देख रहे हो ये प्रॉन की टेल है जो इन्होंने काट के सर्व नहीं किया, इसके साथ ही सर्व किया है, विच ऑब्वियसली मीन्स कि आप बाकी पोर्शन खाकर यू कैन लीव दी टेल पार्ट। ओवरऑल टेस्ट मज़ेदार है, ये समझ लीजिए कि इसमें स्लाइट शक्कर भी है, चीनी जो चिली है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, और क्रीम का फ्लेवर बड़ा क्लियरली विजिबल है। और मैं वापस मेंशन कर रहा हूँ कि ये समझ लीजिए कि फ्यूजन फूड दो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इस प्रिपरेशन में। अब हम धीरे धीरे इसको समाप्त करते हैं और उसके बाद मैं देखता हूँ अगर कुछ यहाँ पे गोवन स्वीट डिश मेरे को मिल जाए खाने को तो मैं वो भी ज़रूर खाऊँगा। वैसे गोवा की ये कोई ट्रेडिशनल आइसक्रीम नहीं है, लेकिन मेरे को बड़ा एक्साइटिंग लगा कोकोनट आइसक्रीम। आज से पहले कभी मैंने इस तरह का वनीला आइसक्रीम और कोकोनट का फ्लेवर कंबाइंड फॉर्म में एज अ स्वीडिश डेजर्ट कभी नहीं खाया, तो आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग दिस। इंटरेस्टिंग टेस्ट है, कहने का मतलब ये है कि कुछ नया कुछ डिफरेंट। काफ़ी सारी करी के अंदर कोकोनट और आइसक्रीम के साथ कोकोनट, गुड एंड टू टूडेज मील। अब इसके बाद क्या करना है आज अभी तक सोचा नहीं, मैं ये ख़त्म करने के बाद प्लान करता हूँ कि आज कुछ करना भी है या रेस्ट टुमारो। गोवा में लोग फुटबॉल के इतने शौकीन हैं उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो यहाँ पर देखकर। बेनौलिम के अंदर इस जगह पर रोज़ शाम को 5 बजे फुटबॉल का मैच होता है। इस तरह से लोग ग्राउंड के चारों तरफ खड़े होकर मैच एंजॉय करते हैं और प्रोफेशनल टीम्स खेलती हैं डेली बेसिस पर। हम यहां पर मॉनसून टाइम में आए हैं। मैं नोटिस कर रहा हूं सुबह से वेदर चेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं। आज बरसात नहीं हुई लेकिन मौसम बना हुआ है। इस समय हम साउथ गोवा के बहुत फेमस बीच कोलवा में आए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इस बीच के अंदर, मल्टीपल रीजंस। बाहर कुछ खा पी भी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इस समय तो मॉनसून टाइम है तो शैक नहीं लगती, अदरवाइज़ यहाँ पे शैक भी लगती है। पानी साफ़ है, बीच साफ़ है, ज़्यादा अंदर तो ऑब्वियसली एडवाइजेबल नहीं है जाना, लेकिन थोड़ा बहुत पानी में चल सकते हैं क्योंकि इस समय मॉनसून टाइम है तो कोई फंस सकता है। तो लाइफ गार्ड है यहाँ पर जो लोगों को अलाउ नहीं करते सी बीच के ज़्यादा डीप जाने के लिए, तो साइड में धीरे धीरे चल सकते हैं, बट बहुत अच्छा नज़ारा है। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे यहाँ पर स्पेंड किए जा सकते हैं।
ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कौन सी सीफूड वैरायटी आपको ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। जल्दी मिलेंगे सीफूड जर्नी साउथ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।